सब्सक्राइब कीजिए AQ Tech हिंदी चैनल को और दबाइए इस बेल बटन को टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो व्हाट्सअप पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आप अपने एंड्रॉइड फ़ोन में से गूगल असिस्टेंट कैसे रिमूव कर सकते हैं और कैसे डिसेबल करना है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए दोस्तों। सबसे पहले आपको यहाँ पर मैं बताऊंगा, ये जो गूगल है यहाँ पर आप इसको क्लिक कर लीजिए अपनी होम स्क्रीन के ऊपर। उसके बाद हम यहाँ पर इसकी सेटिंग में जाते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पर मोर के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर मैं इसकी सेटिंग में जाता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर फिर फर्स्ट वाला जो ऑप्शन दिख रहा है सेटिंग का, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके फ़ोन के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं गूगल असिस्टेंट, तो आपको यहाँ पर ये एनेबल है तो इसको आपको डिसेबल कर देना है। फिर हम यहाँ पर बैक जाते हैं। बैक जाने के बाद आपको यहाँ पर अपने एंड्रॉयड फ़ोन की सेटिंग में आना है। ओके, यहाँ पर मैं इसको सेटिंग को जो ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद स्क्रॉल करके यहाँ पर ऐप्स में आता हूँ। ऐप्स में आने के बाद यहाँ पर थ्री डॉट्स जो दिख रहे हैं आपको, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर डिफॉल्ट ऐप्स के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर असिस्ट एंड वॉइस इनपुट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आप देख सकते हैं असिस्ट ऐप, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए आप असिस्ट ऐप, आपको यहाँ पर सेटिंग के ऊपर क्लिक नहीं करना है, आपको यहाँ पर असिस्ट ऐप के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आप नन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपका जो गूगल असिस्टेंट है वो रिमूव हो जाएगा और डिसेबल भी हो जाएगा अपने एंड्रॉइड फ़ोन में से। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरा छोटा सा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बिना मत जाना, क्योंकि मैं रोज़ वीडियो लेकर आता रहूँगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।